गवर्नमेंट का जो भी निज़ाम है उसको ये फॉलो करें। क्या प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया इसमें ये होती है कि हमारे यहाँ सबसे प्रक्रिया ये कि मोहल्ले के लोग चुनते हैं कि हमारा मोहल्ला कैसे चले समाज, उसमें एक आदमी प्रधान चुनते हैं, फिर उसे कमेटी बनती है, कमेटी भी चुनती है, वो एक सरदार चुनते हैं, फिर उसका निज़ाम होता है, इनकी दस्तारबंदी कर दिया गया काली की वही परंपरा के तौर। सरदार किसको बना गया मंत्री किसको बनाया? सरदार मुझे साहब को बेहतर और सरदार और महावीर साहब को महत्व बताया। ठीक मोहम्मद में पंसारी जलालीपुरा बड़ा इनारा। आपको जलालीपुरा क्षेत्र का सरदार बनाया गया, किस तरह से इसका निर्वहन करेंगे, किस तरह से बुनकरों की और अपने समाज की लड़ाई करेंगे? देखिए हमारे पास जो भी समस्या रहती है लोग आते हैं, उनको समस्या का बात सुनते हैं, उसको देखते हैं, उसको करते हैं। बहुत सी समस्या रहती है लोग को, ब्याह शादी की रहती है, मर्जी करने की रहती है, घर के झगड़े की रहती है, सब समस्या हमारे पास आता है, सबका समाधान कुछ ना कुछ निकालते हैं। जैसे कि बुनकर भी हैं इसमें, तो बुनकरों की क्या समस्या, मूलभूत समस्या क्या, उनकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? बुनकर की लड़ाई हम लड़ते हैं और उसके बाद कुछ हमसे नहीं होता तो अपने बड़े सरदार साहब से कहते हैं, वो हमारे सरदार साहब खुद देखते हैं उसको, कोई भी कदम उठाना रहता है तो मशवरा बड़े सरदार से लेकर करना पड़ता है। क्या लगता है कि समाज में क्या समस्या ज़्यादा समस्या है जिसको लेकर समाज को आगे बढ़ना चाहिए, उस चीज़ को दूर करना चाहिए, क्या ज़्यादा समस्या? हमारे यहाँ समस्या सबसे ज़्यादा इस वक्त बुनकर की कारोबारी लाइन बहुत ख़राब है, बत्ती की लाइन बहुत ख़राब है, बत्ती की समस्या बहुत ख़राब है। बत्ती जो है सरकार हम लोग को जो सब्सिडी देती थी वो एकदम ज़्यादा बढ़ा दिया, एक कार्ड कोई चीज़ में एक कार्ड बढ़ता नहीं, एक कार्ड बढ़ गया, अब बुनकर उसी में बहुत परेशान है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हो सकता है कि अल्लाह ताला हम लोग को आगे कामयाब बनाए। आज आपको यह तो बनाया गया है तो किस तरह से इसको आप कमी करनी चाहते हैं? हम लोग जो कोई भी समाज उनका कोई भी शादी ब्याह हुआ चाहे और कोई मरनी हुई तो हम लोग एक साथ होकर उनका काम जाकर देखते हैं। मोहल्ले के अंदर कोई मामला झगड़े से अगर कोई हो गया तो उनको फौरन हम लोग लग के उनको सुलझाते हैं, सुना कराते हैं ताकि कोई थाना पुलिस का मामला ना हो। इससे अगर हम लोगों से अगर कोई मामला बढ़ जाता नहीं हो पाता तो अपने बड़े सरदार मजबूर हसन साहब को हम लोग याद करते हैं कि आप इस मामले को देखिए। तो ऐसे हम लोग का समाज चलता है, मिलजुल कर सबको एक साथ लेकर चलाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि सरदार महतो और पौधों के सरदार जी होते, क्षेत्र की समस्या क्या है, समाज की समस्या क्या है, आपको क्या लगता है? क्षेत्र की समस्या ये है कि जैसे आजकल बिजली का माहौल बहुत गड़बड़ चल रहा है और जो भी समस्या रहती है तो मामला हम लोग जो तो लिखित द्वारा देते रहते हैं कि भाई हमारे इलाके में ये समस्या है, ये समस्या है, हम लोग उसको देखते रहते हैं। तो अभी आपको एक जिम्मेदारी दी गई, उसका निर्वहन कैसे करेंगे और क्या आगे आपकी? उसका जो एक नियम होता है कि किसी का भी मामला हो दोनों की बात सुनकर और इंसाफ का जो मामला होता है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंसाफ होना चाहिए, किसी साथ कोई अन्याय अगर कर रहा है तो उसके लिए हम लोग उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलजुल कर रहो, सुना अच्छी चीज़ है, उसमें पूरा प्रयास करते हैं अपना हम लोग।